मैंने मजाक की बात है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की पता कार्ड रीडिंग है अगस्त 2020 प्रिडिक्शन। देखेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। उसके लिए हमारे पास है 4 पाइल्स, ठीक है। हर पाइल मैंने एक एक गॉड, एक भगवान जी से डिनोट की है। तो इसमें पाइल 1 में हमारे पास है हनुमान जी, पाइल 2 में है राधा कृष्ण, पाइल 3 में है गणेश जी एंड पाइल 4 में है लक्ष्मी जी। तो इस रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, चारों पाइल्स हैं, आगे वीडियो में एक क्लिप रहेगा चारों पाइल्स का, उसमें आपको एक एक पाइल पर ध्यान लगाकर मेडिटेट करके अपने लिए एक पाइल चुननी है, ठीक है। फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। अपना टाइम स्टैम्प नोट करके, वीडियो को अपने टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। आप दोनों में से कहीं से भी मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं वीकली रीडिंग्स करती हूँ, लाइव चैट्स करती हूँ, पोस्ट शेयर करती हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1, जिन्होंने भी हनुमान जी को चुना, देखते हैं आपके अगस्त में क्या रहेगा। तो फ्रॉम द टैरो डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ वंड्स। तो दो टेंस हैं हमारे पास, 2 टेंस। देन फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स वी हैव बाय द बुक। फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स वी हैव एक्शन, ओके। एंड फ्रॉम द एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। देन फ्रॉम द लाइफ पर्पज ओरेकल कार्ड्स वी हैव सपोर्ट। एंड फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स वी हैव नॉर्थ नोड एंड न्यू मून, ओके। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो पहले तो दो टेंस आ गए, विच क्लियरली मीन्स कि आपका एक साइकिल एंड हो रही है और दूसरी साइकिल शुरू हो रही है अगस्त के महीने में। एंड इसमें ये है कि एंड के साथ साथ थोड़ा सा आपको प्रेशर भी रह सकता है कि हो सकता है आपके बहुत सारे काम हो, बहुत सारी चीज़ें आप लेकर चल रहे हो जो कि आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। बट टेंशन मत लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। डू नॉट गिव अप, ठीक है। हालांकि इस कंप्लीशन में आपको थोड़ा लोड रह सकता है, बर्डन रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकती हैं, ठीक है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकती हैं कुछ जो कि आप कंप्लीट करेंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज़ कि आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा। आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए ये फाइनेंशियली अच्छा पीरियड रहेगा द मंथ ऑफ अगस्त। एंड फ्रूटफुल रहेगा, हैप्पी फैमिली टाइम इन द मंथ ऑफ अगस्त, येस, वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड कई लोगों के लिए ये फैमिली रीयूनियन या फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। देन वी हैव चैरियट। चैरियट शोज़ की एक फॉरवर्ड मोमेंट है इन द मंथ ऑफ अगस्त, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, सक्सेस है, एंड यू नो यू आर टेकिंग चार्ज, यू मूविंग फॉरवर्ड। एंड विद द चैरियट आई ऑल्सो फील ओके। विद द चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट प्रॉपर्टी गेन के बहुत चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। यू कुड बी बाइंग प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। यस, काफ़ी लोगों के लिए ये चांस है। और काफ़ी लोग हो सकता है कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट भी हो रहे हों या कहीं ट्रैवल कर रहे हों, यस, विद द चैरियट एनर्जी, यस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चैरियट ये भी बताता है कि काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा एक हो सकता है कि आप अपने पुराने बैगेज से, जो आप ये पुराना बैगेज कैरी कर रहे हैं, आपका इमोशनल बैगेज हो सकता है, ठीक है, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगेन लाइक आई सेड, वो पुरानी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, एक कंप्लीशन हो जाएगा और एक नया फेज़ ऑफ लाइफ शुरू होगा जिसमें आप एक्चुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक। यस, वेरी वेरी पॉजिटिव। देन वी हैव बाय द बुक। बाय द बुक शोज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नंबर 11, तो इट कैन डेफिनेटली शो न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। एंड बाय द बुक ऑल्सो शोज़ कि हम देखो ये पूरी फैमिली लाइन जा रही है, तो फैमिली लाइन दिखाता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर,
ये काफ़ी लोगों के लिए इट कैन बी एप्लीकेबल इन मंथ ऑफ अगस्त। दूसरी बात यह है कि वो परंपरा चल रही है, परंपरा कि कोई आपकी फैमिली की परंपरा चलेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त कि हो सकता है कुछ पारंपरिक या कुछ रिचुअल, फैमिली रिचुअल आप फुलफिल करें अगस्त में। और ये भी है कि जहाँ भी आपको एक सिचुएशन ऑफ डिलेमा लगे, ठीक है, कि आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप अगर अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से चलते हैं, तो आप बिल्कुल सही चलेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। एंड बाय द बुक, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है इसलिए मैं उसको फैमिली वैल्यू से रिलेट कर रही हूँ। बाय द बुक कैन इवन मीन किसी भी तरह की वैल्यूज़, ठीक है, ये वैल्यूज़ हो सकते हैं आपने खुद भी डेवलप की हों, ठीक है। और अगर फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव फैमिली वैल्यूज़, कुछ है नहीं सेट ऑफ नॉर्म्स एज सच फैमिली में, देन बिल्ड योर ओन सेट ऑफ नॉर्म्स, अपने खुद के कुछ वैल्यू सिस्टम, अपना खुद का कुछ रूल बुक आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें एक ऑर्डर आ जाता है, एक सलीका आ जाता है कि हाँ मुझे ये ऐसे डील करना है, ये मेरे उसूल हैं, ये मेरे रूल्स हैं, दिस आर माई मॉरल्स, ओके, सो अबाइड बाय योर मॉरल्स, उससे आप सिक्योर रहेंगे और फ्लो बना रहेगा आपका। देन वी हैव एक्शन, सो एक्शन जोन में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे अगस्त में। वैसे भी चैरिट एनर्जी है तो ऑन द गो, यहाँ पर भी घोड़े हैं दो, यहाँ पर भी दो घोड़े हैं, सो ओके, एंड ब्लैक एंड वाइट, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, ओके। तो बेसिकली इट मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है, आगे बढ़ते रहेंगे हर तरीके से। ब्लैक एंड वाइट शोज टू साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आप हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने पॉजिटिव्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव साइड्स को छोड़ने के लिए कर रहे हैं, हर तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड उसी वजह से एक कंप्लीशन भी आ रहा है, जो बार बार वो यिन यांग एनर्जी आ रही है कि वो एक कंप्लीशन हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। और हो सकता है चीज़ें आपके सामने ब्लैक एंड वाइट भी हो जाएं इन द मंथ ऑफ अगस्त, की क्लैरिटी मिल जाती है ना इंसान को कि अच्छा अब ऐसे डील करना है इससे, वो चीज़ है। देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ शोज फुल पावर में रहेंगे आप, काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आप सिचुएशंस को डील करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा अगस्त में। एंड काफ़ी लोगों के लिए उनकी फैमिली उनकी स्ट्रेंथ रह सकती है, येस। और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं आपकी, जो आपने अपनी फैमिली से सीखा है, जो अपने जो फैमिली लाइन में आपको चलता आ रहा है, वो आपकी स्ट्रेंथ रह सकती है, येस। देन वी हैव सपोर्ट, सपोर्ट शोज के आप जो भी करेंगे अपने अगस्त में, वहाँ पर आपको पूरी सपोर्ट रहेगी, बिल्कुल फियरलेस रहें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फियरलेस होकर आगे बढ़ते रहें, आपको कुछ नहीं रोक सकता, यू आर कम्प्लीटली सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। एंड काफ़ी लोगों के लिए फैमिली सपोर्ट भी हो सकती है, काफ़ी फैमिली फैमिली हो रहा है यहाँ पर, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो येस वेरी मच पॉसिबल फॉर यू। देन वी हैव नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो अगस्त में न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू मून, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू बिगिनिंग्स है, बट न्यू बिगिनिंग्स के लिए यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन क्या होता है कि हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो हम खुद डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हम कई बार शायद अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सफोकेशन या बाउंडेशन बन जाती है, जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते, हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है कि हाँ नहीं, मेरे को इससे ज़्यादा, इससे आगे, इससे बाहर नहीं जाना मुझे। चाहे आपको पता है या नहीं भी पता है कि आपको वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप फिर भी, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं, सेफ प्ले करने के चक्कर में भी आप उसमें रह जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको स्टक कर देती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैसेज है यहाँ पर टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि पास्ट बैगेज से आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, ठीक है। आप चाहे उसके लिए अपनी फैमिली की सपोर्ट रहें लें, या फिर अपने खुद के कुछ उसूल बनाएं, उससे मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका मूव ऑन करना। एंड ओके, बाय द बुक और नॉर्थ नोड एक साथ हैं, मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं ना, आप लोगों को अपने एक न्यू सेट ऑफ नॉर्म्स, न्यू वैल्यूज़ भी सेट करने की ज़रूरत है।
अपनी पर्सनल, ठीक है, एक तो चलो अपनी फैमिली से जो सीखा सीखा, एक खुद की भी होते ना कुछ उसूल, हर इंसान बनाता है, बनाने भी चाहिए, ठीक है, अपने खुद के कुछ उसूल ना, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फैमिली से डील करने के रिलेटेड हो, ठीक है, एक अपने कुछ उसूल बनाओ उस चीज़ को लेकर, ताकि आप स्टक ना रहें, ठीक है, उन उसूलों के बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, यस, सो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। सो यही है आपके लिए पाइल वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। इफ दे डिड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। कमेंट कीजिए कैसे लगी आपको रीडिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल टू फॉर दोज हू चोज राधा कृष्ण। देखते हैं आपके लिए अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फ्रॉम द टैरो डेक वी हैव द हैंगमैन, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। ओके, पहले ये बता दूँ जिन्होंने भी ये पाइल चुनी, जब मैं इस पाइल के लिए कार्ड शफल कर रही थी एंड आई जस्ट लेट द कार्ड्स ड्रॉप ऑफ, ठीक है, एंड वो ड्रॉप नहीं हो रहे थे, रादर दे वर फ्लाइंग, उड़ते उड़ते कार्ड्स बाहर निकल रहे थे। सो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हो सकते हैं इसमें, काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेजेस हो सकते हैं। सो देन वी हैव फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ओरेकल कार्ड, वी हैव फैमिली, विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स, वी हैव हैप्पी हैप्पी एंड द वर्ल्ड फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स एंड न्यू मून इन लियो फ्रॉम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सीधा सीधा विद द हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ स्टक हो रखा है, कुछ रुका हुआ है, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है कि आप लोगों को हो सकता है, आप एक तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स से आप थोड़ा सा स्टक अप फील कर रहे हो, फंसा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, और आपको या तो आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, दिमागी मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रखे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, और अब बहुत डरे हो उन सब चीज़ों को लेकर, इनसिक्योर हो रखे हो एंड अनसर्टन भी हो, ठीक है। देन विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी नज़र आ रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपको बहुत चैलेंजिंग लग रही है सिचुएशन, आपके अंदर ही एक कितने भसड़ या जंग चल रही है, ठीक है, जहाँ पे एक तरफ से एक वो नहीं होता जैसे एक एंजल और डेविल बैठ जाते हैं, एंजल कुछ कह रहा है, डेविल कुछ कह रहा है, एंजल कुछ कह रहा है, डेविल कुछ कह रहा है, और दोनों एकदम लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो वही चीज़ आपके अंदर चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट, एंड उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना आप स्टक हो गए हो कि अच्छा अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, ठीक है, तो एक स्टक अप सा लग रहा है, हेल्पलेस सा भी लग रहा है आपको कि मैं फंस गया, मैं फंस गई, ठीक है। बट वेन वी सी द हैंगमैन, ठीक है, जो कि हमारा मेजर अरकाना है, सो हैंगमैन ये बता रहा है कि ये स्टकअप नहीं है एक्चुअली, ये टाइम है एक टू टेक अ पॉज, यू नो मंथ ऑफ अगस्त, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर यू टेक एनी एक्शन, रादर देन यू नो टू सॉर्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट, यू नीड टू टेक अ पॉज, टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, देखो सब एस्पेक्ट्स को एंड देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, फिर कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे ना, वो इतना ठीक है नहीं, आपको किसी और तरीके से मतलब टोटली कुछ डिफरेंट पाथ पे जाना है, कई लोगों के लिए तो एक पाथ डाइवर्जन भी हो सकता है ये ऑल टुगेदर, ठीक है, या फिर अगर सेम पाथ पर भी हो तो अप्रोच टू दैट पाथ इज डिफरेंट, ठीक है, टोटली डिफरेंट, और ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सोसाइटल नॉर्म्स जो चलता है, जो होता है यूजुअली, उससे अलग हो, क्योंकि एक तो हैंगमैन आ गया और एक फूल में हमारे पास एक्वेरियस एनर्जी आ गई है, ठीक है, एक्वेरियस एंड यूरेनस एनर्जी आ गई है, विच इज़ टोटली रेबेलियस, ठीक है, फ्रेश अगेंस्ट सोसाइटी, अनकन्वेंशनल, ठीक है, तो वो है, तो कुछ अलग सा ही करना आपने, कुछ अलग सा होगा भी, समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड जो आपने नहीं सोचा है कि ऐसा होगा, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, यस,
ठीक है, तो मैसेज ये भी आ रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है या आपको बेचारापन लग रहा है, बट एक्चुअली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आप देखें कि ये ही चीज़ अगर आपके किसी दोस्त के साथ या किसी भाई बहन के साथ हो रही है, ठीक है, तो आप एक्चुअली अगर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार सही तो है, क्या दिक्कत है, चल पड़ो, बढ़िया है, ठीक है। तो वो आपको करने की ज़रूरत है कि एक अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के सोल्यूशन मिलेंगे और आपको आप अपने लिए नए दरवाजे भी खोल पाएंगे लाइफ में। यस, सो कीप एन ओपन माइंड। ये चीज़ लव लाइफ के लिए भी है और ये करियर के लिए भी है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, तो जहाँ पर भी आपको लगेगी एप्लीकेबल हो रही है, एप्लीकेबल आप अप्लाई कीजिएगा। वैसे तो ओवरऑल एनर्जी ही है, तो ये हर जगह अप्लाई होगी अगस्त में। देन यू हैव फूल। बहुत ही बढ़िया कि इस सब के बाद एक नया दरवाज़ा खुलेगा, एक टोटली आपकी न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ भी लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बट इट विल बी गुड, इट इज़ हैप्पी। एंड द फूल इवन शोज कि कुछ नए लोगों से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड एडवेंचर करो थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा भी सेफ प्ले ना करें, थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाएं, थोड़ा ओपन माइंड रखें कि एक तो होता है आपने क्या सोचा, एक होता है व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर, ठीक है। तो लाइफ जो ऑफर कर रही है उसको भी एक बार आजमा कर देख लो, अच्छा रहेगा। देन यू हैव फैमिली। फैमिली से ये नज़र आता है कि या तो कई लोगों के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। फैमिली से रिलेटेड हो तो आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें सिचुएशन को, तो आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा, एक नए तरीके से सिचुएशन को डील करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे लोगों के लिए ये भी है कि फैमिली से ही आपको सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर फैमिली, बहुत हैप्पी फैमिली टाइम यहाँ स्पेंड हो रहा है। तो आपको अगर फंसा हुआ या परेशान आपको महसूस हो रहा है, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली की हेल्प लेंगे, या फैमिली की डायरेक्टली हेल्प नहीं भी लेंगे तो वो फैमिली माहौल में रहकर आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, जिससे कि आपको हर सिचुएशन का सोल्यूशन मिल जाएगा और आप न्यू बिगिनिंग्स को और अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। कई लोगों के लिए फैमिली में न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती हैं। यस, देन वी हैव हैप्पी हैप्पी। सो इट इज़ अ हैप्पी हैप्पी पीरियड अगस्त। थोड़ा सा आपके लिए ये इनिशियल चैलेंज है, ठीक है, जो कि आपको पार करना है। एंड ओके, यहाँ पे देखो एक की होल है, तो इट इज़ ओपनिंग टू अ न्यू डोर, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। एंड अगर आप देखें तो ये जो हैप्पी हैप्पी वाली लेडी है और जो फूल है, दोनों की फुट मूवमेंट सेम है, जैसे बस उड़ने लगे हैं अभी, तो आप भी उड़ेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो बेसिकली बहुत लाइट एनर्जी हो जाएगी, बहुत यू नो लाइट एज अ फेदर दैट विल फ्लाई, या वैसा फ्लोट इन द एयर, तो वैसी एनर्जी रहेगी, हैप्पी हैप्पी एनर्जी। देन वी हैव द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड बेसिकली शोज कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी दुनिया है उतने ज़्यादा दरवाजे हैं, उतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सब पॉसिबिलिटीज़ को अपने ध्यान में रखें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। ये अपनी सोच को छोटा ना रखें, ठीक है, कि नहीं इतना ही है, नहीं इतना नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड। काफ़ी लोगों के लिए ये फॉरेन ट्रैवल का भी कार्ड हो सकता है या फॉरेन कनेक्शन का भी कार्ड हो सकता है, और ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन के भी बहुत चांसेस है, बिकॉज एक्वेरियस एनर्जी है, एक्वेरियस इज साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न टेक्निक्स, और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन ऑनलाइन ही हो रखा सब कुछ। तो ऑनलाइन अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनलाइन कुछ काम शुरू हो सकता है आपका, ऑनलाइन हेल्प हो सकती है आपको काम में, या फिर आप लोग में से कोई ऑनलाइन किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। यस, इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे, ठीक है, बट इट्स गुड। देन वी हैव न्यू मून एंड लियो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सो जो भी न्यू एडवेंचर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसमें आपके लिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से आपको सक्सेस मिलेगी। एंड कॉन्फिडेंस से मुझे लगता है एक तो कॉन्फिडेंस खुद पे, कि
यू नो मैं कर लूँगी, आई यू नो स्ले, आई किल इट, हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस यूनिवर्स पे भी, कि भरोसा, कॉन्फिडेंस, फेथ इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स मेरे साथ है, ये जो मैं उड़ान भरने लगा हूँ, भरने लगी हूँ, इसमें यूनिवर्स मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है। वो वाला कॉन्फिडेंस रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यही मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप द मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू, एंड इफ दे डिड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। ओके, सो विल मीट द नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय। पाइल थ्री, लेट्स सी आपके मंथ ऑफ अगस्त के लिए हमारे पास क्या है, जिन्होंने भी चुना गणेश जी को। तो वी हैव टैरो डेक से हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, एंड देन वी हैव मिल्क एंड हनी। ओ ओके, मिल्क एंड हनी फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। एम्परर भी है टैरो डेक से, वो नीचे था। ओके, देन वी हैव चिल्ड्रन फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स, एंड वी हैव हार्ट चक्रा फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, एंड फुल मून इन लिब्रा फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। सो पहले सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि काफ़ी लोग, आप काफ़ी टाइम से अपनी ग्रोथ, अपने आप जहाँ तक पहुँचे उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। आप, हो सकता है, मुझे लगता है कि आप करते आ रहे हैं ये काफ़ी टाइम से, ठीक है, या फिर अगस्त में आपको थोड़ा सा ऐसा हो गया कि आप देख रहे हैं कि आपने कितना कर लिया, पूरी कैलकुलेशन एनालिसिस चल रहा है आपका। ये चीज़ आपके लव लाइफ और करियर दोनों के एस्पेक्ट में हो सकती है। देन वी हैव मैजिशियन एंड एम्परर। मैजिशियन एंड एम्परर दोनों ही काफ़ी असर्टिव कार्ड्स हैं, ठीक है, दोनों ही ऐसे हैं कि मैं, आई टेक कंट्रोल, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं चार्ज लेता हूँ, मैं ठीक करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है, वैसे एनर्जी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा ऑन इन पावर, इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन असर्टिव रहेंगे, इन चार्ज ऑफ सिचुएशन रहेंगे अगस्त में, एंड आप अपने दिमाग, एक्चुअली सब कुछ, दिल, दिमाग, पैशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब कुछ इस्तेमाल करके सिचुएशंस को अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि एम्परर है तो सिक्योर तो आप हैं, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस करते रहेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर के साथ मुझे लगता है कि अगस्त में आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा पीरियड है काफ़ी लोगों के लिए, कि आपने आज तक जो भी इकट्ठा किया है उसको आप एक लॉन्ग टर्म प्लान में डाल दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लें, आपकी अच्छी सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। यस, यू विल बी सिक्योर फाइनेंशियली, प्रोफेशनली। इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड अगस्त का टाइम, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना खुद का काम कर रहे हैं या किसी लीडरशिप पोजिशन पे हैं या जाना चाहते हैं। यस, बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। यस, वेरी मच, एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम है। पूरा एनालाइज करके पूरे दिमाग के साथ आप अच्छा इन्वेस्ट कर लेंगे। यस, वेरी गुड। देन ओके, दिस ऑल्सो मीन्स कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी अच्छा पीरियड है, या कई लोग अगर बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके भी, उस पर आप लगे रहिए, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वी हैव मिल्क एंड हनी। तो मिल्क एंड हनी ये बताता है काफ़ी प्रॉस्पेरस पीरियड रहेगा अगस्त का आपके लिए, काफ़ी प्रॉस्पेरस, फ्रूटफुल, कि आप जहाँ भी अपने एफर्ट्स डालेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको एट एनी पॉइंट ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अगस्त शुरू हुआ है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं, आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, आपको लग रहा है कुछ कमी है, ठीक है, तो उसमें ये है कि आप खुद उसको पूरा कर सकते हैं। आप मैजिशियन हैं, आप हर कमी को पूरा कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है टू फुलफिल योर लाइफ, ठीक है। एंड मैजिशियन ये भी बताता है कि अब क्रिएशन है, क्रिएशन कैसा भी हो सकता है, वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई कमी है तो हो सकता है आप ही वो क्रिएट कर रहे हैं, कमी या लैक या नेगेटिविटी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी एनर्जी सही तरह से डायरेक्टेड है, सो दैट नहीं, यू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाएं।
देन वी हैव मिल्क एंड हनी, प्रॉस्पेरस पीरियड, हैप्पी पीरियड, रेनबो है यहाँ पे, रेनबो खुद ही दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टाइम रहेगा, हर चीज़ के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यूल बी हैप्पी, यूल बी ना हैप्पी स्पेस। देन वी हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शोज़ की एक तो काफ़ी लोगों की के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छा टाइम है, येस, एंड चिल्ड्रन अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम रहेगा अगस्त में। अगर दोनों सिचुएशन आपके साथ नहीं है तो चिल्ड्रन शोज काफ़ी लोग चिल्ड्रन की कुछ हेल्प कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या कुछ हीलिंग कर सकते हैं चिल्ड्रन की, येस दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंड बच्चों के साथ कुछ आपका कनेक्शन रह सकता है अगस्त के महीने में, या फिर चिल्ड्रन इवन कैन मीन योर इनर चाइल्ड, आपके अंदर का जो बच्चा है, सबके अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, तो उस बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, उसकी हीलिंग भी होगी, यस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। यहाँ पर ये बांसुरी बजा रहा है तो आई गेस म्यूज़िक से कनेक्ट होने के लिए, होने से कई लोगों को अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है तो म्यूज़िक से आप कनेक्ट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी महसूस होगी। एंड देन साथ ही मेरे पास हार्ट चक्र है तो उससे आपका हार्ट चक्र भी खुल जाएगा, यस, यू विल बी हैप्पी, ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, ठीक है, एंड यस। और अगर आप कुछ बच्चों के लिए कुछ करते हैं इन मंथ ऑफ अगस्त तो वो भी अच्छा काम रहेगा, किसी भी तरह की चैरिटी, किसी भी तरह की हेल्प फॉर किड्स और यंग पीपल, मतलब आप समझ लीते 16 साल से कम की उम्र के हों कोई, तो उनकी आप हेल्प करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, यस। देन वी हैव फुल मून इन लीब्रा, फुल मून इन लीब्रा टॉक्स अबाउट विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ओके, फुल मून इन लीब्रा विथ हार्ट चक्रा कैन इवन मीन कि एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये एक न्यू फेज इन द रिलेशनशिप, एक अच्छा पॉजिटिव बैलेंस फेज इन द रिलेशनशिप दिखा सकता है, ठीक है। एंड बेसिकली फुल मून इन लीब्रा इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर रिलेशनशिप, रोमांटिक एज वेल एज प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनली किसी पार्टनरशिप में जाने का सोच रहे तो भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। एंड रोमांटिक रिलेशनशिप का ज़्यादा मुझे एनर्जी नज़र आ रहा है बिकॉज हमारे पास हार्ट चक्र है सीधा, तो काफ़ी लोग एक रोमांटिक रिलेशन या एक रोमांटिक कनेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। एंड कई लोगों के लिए ये उनकी अपनी मैनिफेस्टेशन है, ये कनेक्शन ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट लाइफ या फिर पास्ट से भी आ रहा हो सकता है, या तो ये आपको एक्स कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले किसी को जानते थे और वो इंसान वापस आ गया, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है, बट डेफिनेटली रोमांटिक कनेक्शन कई लोगों के लिए, क्योंकि विन विन आउटकम है तो ये आपकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाता है। तो अगर कुछ पुरानी नेगेटिविटी आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, कुछ पुराना नेगेटिव कनेक्शन आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है, एंड होकर फिर एक नया रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा रहेगा, बट क्लियरली एनर्जीज क्लियर होंगी, मैजिशियन है बीच में, सो आई फील कि अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ठीक है, मेक श्योर दैट कि आप हाईएस्ट गुड में सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आप रिजिड नहीं हो रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी और इफेक्टिव रहेंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल थ्री, यही मैसेजेस थे आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, मुझे बताइए कमेंट्स में आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड विल बी द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय। पाइल फोर, जिन्होंने भी चुना लक्ष्मी माता को, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो फ्रॉम द टैरो डेक वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स and the four of wands, okay, then from the life purpose oracle cards हमारे पास है you're on the right path, from the energy oracle cards we have magician and the mirror, from the wisdom of the oracle cards we have truth be told, and from the moonology oracle cards we have new moon in aquarius, okay, so starting with the tarot deck, पहले तो काफ़ी वॉन्ड्स, पैशनेट फायर एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, सन मून और राइजिंग, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई डेफिनेटली फील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं,
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, सेंसिटिव हैं एंड मिस्टीरियस से भी हैं. यस यस, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. एंड अगस्त के महीने में सीधे सीधा ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ काफ़ी लव अट्रैक्शन पैशनेट एनर्जी है अगस्त में. तो अगर आप अपना करियर किसी फील्ड ऑफ अट्रैक्शन या ग्लैमरस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है. या फिर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है. इट्स अ वेरी गुड पीरियड टू फॉलो योर पैशंस. ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त पैशन, चाहे आपको किसी करियर लाइन के लिए हो, किसी इंटरेस्ट के लिए हो या किसी इंसान के लिए हो, ठीक है, तो जो भी है यू कैन डेफिनेटली परसू इट एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. रिलेशनशिप यूनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है विद द लवर्स एंड द फोर ऑफ वॉन्ट्स. ऐसे जैसे दो सोलमेट यूनाइट हो रहे हैं, एक सोलमेट पेयर यूनाइट हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप आपका एक पॉजिटिव स्टेज पर जा सकता है, एक स्टेबिलिटी की स्टेज पर जा सकता है. काफ़ी लोगों की हो सकता है शादी या कोई सेरेमनी हो जाए, या आपकी फैमिली में कोई शादी या सेरेमनी हो. येस, विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स किसी घर का कोई फंक्शन हो, कोई गैदरिंग हो जहाँ पर आप किसी को मिल सकते हैं, कोई किसी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन आपका काफ़ी हाई हो रखा है. कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बड़ा होगा आपका अगस्त में, जिस वजह से आप काफ़ी पोटेंशियल मैचेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू सिंगल एंड इंटरेस्टेड. फ्लर्टिंग एनर्जी एंड कम्युनिकेशन, किसी से बातें हो सकती हैं आपकी, ठीक है, बट दिस रियली हैज़ अ पोटेंशियल टू मूव इन टू समथिंग स्टेबल. इसका बहुत चांसेस हैं कुछ स्टेबल टर्न आउट होने में. एंड उसमें ये भी है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका ज़्यादा इनपुट रहेगा उस चीज़ में, उस चीज़ को. अब वो इनपुट चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में करें या आप स्पिरिचुअली उसमें इनपुट डालें, धीरे से आप मैनिफेस्ट करते हैं या एनर्जीज को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आइदर वे इट इज़ अप टू यू, ठीक है. फीमेल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर. एंड हाँ, बट देयर इज़ फायर, काफ़ी ज़्यादा फायर है एंड फायर इज़ मैस्कुलिन, तो एक तरह से कॉम्बिनेशन ही हो गया वैसे, बट द फीमेल इज़ मोर पावरफुल, फीमेल में ज़्यादा फायर है. यस, इज वेरी अट्रैक्टिव. एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज कि इस टाइम आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगस्त में. तो अट्रैक्ट करने में आप पॉजिटिव तो बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अबंडेंस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बट साथ साथ नेगेटिव्स का भी आपको ख्याल रखना, मतलब यू हैव टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स, ठीक है, अवेयर अबाउट द नेगेटिव आउटसाइड एंड द नेगेटिव विद इन यू, कि अपनी भी एक डार्क साइड होती है, सबकी होती है, ठीक है, तो अपनी डार्क साइड के बारे में भी अवेयर रहो. कि जैसे कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो बहुत जल्दी ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है, आपके साथ ऐसा केस हो सकता है, तो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट इन टू दैट पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा ओपन एनर्जी रखेंगे, थोड़ा सा फ्लोइंग एनर्जी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, रादर देन बींग टू ऑब्सेसिव अबाउट थिंग्स, ओके. एंड ये चीज़ सिर्फ लव लाइफ के लिए ही नहीं है, करियर के लिए भी है. यस, करियर में पार्टनरशिप होने के बहुत चांसेस हैं. यस, पार्टनरशिप होने के ये पार्टनरशिप आपकी रोमांटिक भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, कई लोगों के लिए दोनों हो सकती हैं. यस, वाई नॉट, ये है, बट जो भी है द एंजल्स आर कम्प्लीटली ब्लेसिंग यू एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते में, आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, ठीक है. देन वी हैव मैजिशियन इन द मिरर. मैजिशियन इन द मिरर शोज कि अगस्त में ऐसा सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर उस चीज़ की ना बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो अब वो जो कनेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हो सकता है आपकी शादी हो जाए आगे जाते जाते डाउन द रोड, हो सकता है यू नो दिस इज़ योर लास्ट मीटिंग, ठीक है, ऐसा. इट इज़ अप टू यू, यू आर द मैजिशियन, ठीक है, यू आर द क्रिएटर. इट इज़ अप टू यू हाउ यू लीड द सिचुएशन, हाउ यू बैलेंस द एनर्जीज. यहाँ पर भी यिन यांग एनर्जी आ रही है, यिन यांग अगेन बैलेंसिंग की बात करता है और कंप्लीशन की बात करता है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे डायरेक्ट करते हैं और क्या क्रिएट करते हैं आउट ऑफ इट टू यू नो फॉर योर फ्यूचर.
तो क्योंकि सेंसिटिविटी इज़ वेरी हाई इन दीज कार्ड्स, ठीक है, तो जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप विजुलाइज करेंगे, वो चीज़ आपके लिए क्रिएट हो जाएगी. तो मेक श्योर दैट यू विजुलाइज गुड, ठीक है. बहुत ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू बी श्योर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, ठीक है, आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, क्योंकि आपकी जो ट्रू डिज़ायर है दैट इज़ वॉट इज़ इन द हाइएस्ट गुड, ठीक है, उसको ट्रस्ट करना है. देन साथ ही मतलब कमिंग टू द नेक्स्ट मैसेज, वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड. तो ट्रूथ बी टोल्ड में यहाँ पर हमारे पास एक विंडो है जिसमें से हार्ट पेटल्स निकल रहे हैं, एंड द आउल इज होल्डिंग द विंडो एंड वो एक मास्क के ऊपर बैठा है. तो ये बेसिकली दिखाता है कि अपना मास्क हटा दो, ठीक है, जस्ट बी योर सेल्फ, बी योर जेन्युइन सेल्फ, यू आर अमेजिंग, ठीक है. अपने जो लाइट है लेट इट शाइन ब्राइटर, ठीक है. काफ़ी लोग हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त थोड़ा सा अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपनी पर्सनालिटी या अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है. येस, दैट वॉज जस्ट अ मैसेज दैट हिट मी. अभी इस पर कंटिन्यू करते हैं. तो ट्रूथ बी टोल्ड बेसिकली बताता है कि जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं उनको सच सच बोल दो, कम्युनिकेट, ठीक है. उसमें ये है कि आप पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट रहें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश ना करें. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड देन बी ऑनेस्ट टू द अदर पर्सन, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, कॉन्फिडेंटली बोल दो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. यहाँ पर लवर्स आ रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंट एनर्जी, कॉन्फिडेंट आप रहो अपने बारे में, ठीक है, और बोल दो, ठीक है. देन सी हाउ द सिचुएशन गोज, ठीक है. आइदर वे, मतलब अगर फीलिंग्स नहीं है तो भी बोल दो, है तो भी बोल दो, नहीं है तो भी बोल दो. बी ट्रूथफुल. एंड कई लोगों के लिए हो सकता है, नए इंसान के लिए हो, कई लोगों के लिए हो सकता है अभी भी फीलिंग्स हो, किसी के लिए भी फीलिंग्स हैं बोल दो, सीधा, साफ, क्लियर, ठीक है, सही रहेगा आपके लिए. एंड दिल से, या ऑनेस्टली. दूसरी बात ये भी है कि इंट्यूशन एनर्जी आ रही है. काफ़ी लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप अकल्ट या मिस्टिसिज्म में जा सकते हैं अगस्त में, ठीक है. एंड उसमें ये भी है कि मैजिशियन इन द मिरर और ट्रूथ बी टोल्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तीनों कार्ड से जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप जो बोलेंगे ना, कई लोगों के लिए सोचता था कि आप जो बोलेंगे वो सच हो जाए, ठीक है, या फिर वो ऐसा नहीं होता वैसे, मतलब वो चीज़ होती है कि आपको इंस्टिंक्ट आ जाती है और फिर आप वो बोल देते हो एंड वो चीज़ एक्चुअली सच हो जाती है. ये कई लोगों में एक्चुअली वो पावर भी होती है कि वो बोल देता है, वो सच हो जाता है, जिसको हम कई बार काली जबान भी बोलते हैं, बट यू नो दैट इज़ अ नॉट अ वेरी पॉजिटिव टर्म, बट इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग, ठीक है. तो बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी से, दिल से जो भी बोलेंगे वो अच्छा ही रहेगा और वो क्रिएट भी हो जाएगा. यस, सो बी पोलाइट, बी पोलाइट. देन वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस. सो न्यू मून इन एक्वेरियस पहले तो सेज ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. तो काफ़ी लव लव एनर्जी आ रखी है. इससे मुझे ये भी लग रहा है कि यू नो यू नीड टू लव योर सेल्फ एज वेल, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. हो सकता है आप ये मास्क पहन के इसलिए भी घूमने क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. यू नीड टू बी, पहले वो लविंग एनर्जी आपको अपनी तरफ बनानी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द वन, द सोलमेट, द लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है. और या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. येस, देन ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. न्यू मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस, एक तो न्यू मून, न्यू सिचुएशन, न्यू बिगिनिंग्स. एक्वेरियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिटैच्ड है. तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अपनी डार्क साइड के बारे में अवेयर रहना, डोंट गेट टू ऑब्सेसिव, बी डिटैच्ड. डिटैच्ड मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम पत्थर दिल हो जाना है, ठीक है. इट्स जस्ट दैट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है. इंडिपेंडेंट का मतलब ये भी है कि जैसे आपने ट्रूथ बी टोल्ड है कार्ड, ठीक है, कि आपको फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, तो फीलिंग एक्सप्रेस करने में ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि नहीं वो क्या सोचता है, ठीक है, नहीं उसकी क्या फीलिंग्स है. आप पहले अपनी फीलिंग्स पे क्लैरिटी लो, ठीक है, अपना सच बोलो, दूसरे का क्या सच है वो खुद आपके सामने आ जाएगा, लेकिन पहले आपको अपना सच बोलना होगा, ठीक है. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर पर्सन फीलिंग्स टू डिस्कवर योर ओन और टू गाइड योर ओन, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर आप कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी लेकर चलते हैं तो आप भी आगे से वो कंफ्यूजन ही अट्रैक्ट करेंगे.
कंफ्यूजन भी हो सकता है, डिसेप्शन भी हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ ना करें, क्लियर रहें, क्लियरली कम्युनिकेट करें। एक्वेरियस एंड जेमिनी एनर्जी आ रही है वैसे भी यहाँ पर, ठीक है। तो और फिर मैजिशियन भी ऐसे मर्क्यूरी एनर्जी होता है, तो काफ़ी कम्युनिकेटिव एनर्जी आ रही है कि कम्युनिकेशन इज़ द की हियर। एंड न्यू मून एंड एक्वेरियस ये बताता है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ देंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। पास्ट में ये भी होता है कि कई बार आप अगर एक रिलेशनशिप में सपोज बहुत टाइम से हैं, ठीक है, अब उसमें भी आपके पास्ट में कुछ आपके ग्रजेस रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर अ बेटर फेज इन योर रिलेशनशिप। और अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई पास्ट है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मतलब वो आपको पता होगा, दिस इज अ जनरल रीडिंग, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कोई भी पास एनर्जी है जिसको आप लेकर बैठे हुए हैं विच इज़ नॉट बेनिफिटिंग यू एट ऑल, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम इट, ठीक है। उससे मूव ऑन करें, देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव आउटकम्स वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो यही मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 4। आई होप द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। अगर मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट भी कीजिए, लव रीडिंग या कमेंट्स, एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। सो विल मीट द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू। बाय बाय।